सुषमा काफी समय से उदास थी और कहीं बाहर भी नहीं जाती थी। पूरा दिन घर में बैठकर ही अपना समय बिताती थी। एक रोज सुषमा की पड़ोसन विमला का आना होता है। आखिर कितने दिनों तक घर में रहेगी? मैंने तुझे कहा भी है, भगवान के आगे हमारी नहीं चलती है। अभी मेरे बेटे की शादी को 6 महीने भी नहीं हुए थे और भगवान ने उसे मुझसे छीन लिया। सुषमा तू जानती है ना, जो कुछ भी हुआ वो बस एक हादसा था और हादसे को हम भुला नहीं सकते हैं, लेकिन तुझे अपने दिल पे पत्थर रखना ही होगा। सुषमा विमला से बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी बहू काजल आ जाती है। माँ जी आपके लिए चाय। काकी आप भी चाय लीजिए। बहू सुबह से काम करने में लगी हुई है, जाकर खाना पीना खा ले। सच में तेरी बहू ना बहुत हिम्मत वाली है, ऐसे घड़ी में उसने खुद को संभाल रखा है और तेरी देखभाल भी कर रही है। तू तो हर वक्त रोना धोना लगा कर रहती है। विमला सुषमा को समझाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक रोज विमला देर शाम सुषमा की बहू काजल को किसी से फोन पर हंसते हुए बातें करते देखती है। तुम्हारे बिना तो मुझे नींद ही नहीं आई है, ना जाने अभी दूरी कितने दिनों तक की है। आखिर सुषमा की बहू किसी से बातचीत कर रही है, लगता तो कुछ गड़बड़ है। अब विमला और भी ध्यान लगा कर सुनने लगती है। देखो अगर आज रात तुम से मिलने नहीं आए ना, तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगी, बता रही हूँ मैं तुम्हें। विमला यह सब सुनकर हैरान रह जाती है, उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। तभी वह खुद से बोलती है, कहीं सुषमा की बहू का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है? अगर ऐसा है मुझे सुषमा को सारी बातें बतानी होगी। ये जो कुछ भी सुषमा की बहू कर रही है ना, उससे तो यही लगता है कि सुषमा की बहू का कहीं चक्कर चल रहा है। अब विमला तुरंत ही सुषमा के पास जाती है तो वह देखती है कि काजल उसके बगल में बैठी हुई है। अरे विमला क्या बात है, तू इतनी घबराई हुई क्यों है, कोई बात है तो बता। मैं तो बस तुमसे कुछ कहने आई थी, अब थोड़ा इधर तो आ, तभी तो बताऊंगी। अरे ऐसी भी क्या बात है जो तुझे अकेले में करनी है, बहू ही तो है, सामने बात करना, क्या कहना है तुझे। अरे नहीं नहीं थोड़ा ना पर्सनल है, बहू बुरा मत मानियो, मैं सुषमा से ना 2 मिनट बात करना चाहती हूँ। हाँ माँ जी आप जाइए, विमला काकी को आपसे कुछ काम होगा। अब विमला सुषमा को बाहर लेकर पहुँचती है और सुषमा से बोलती है, देख सुषमा जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ ना, उसे सुन के तुझे गुस्सा आने वाला है। तू मुझे भर भर के गालियाँ दे सकती है, लेकिन जो मैं बताने वाली हूँ ना, वो सुन के ना तेरे होश उड़ जाएंगे, और जो सच है मैं सिर्फ वही बताऊंगी। अरे ऐसी भी क्या बात हो गई जो मैं तुझे गालियाँ दूंगी, बात क्या है बता। अभी कुछ देर पहले मैं छत से कपड़े लेने गई थी, मैंने तेरी बहू को किसी से बात करते सुना, वो कह रही थी कि मुझे आपके बिना नींद नहीं आती है, और अगर आप मुझसे मिलने नहीं आए तो मैं किसी और से चक्कर चला लूंगी। भांग खा लिया है क्या तूने, मेरी भोली भाली बहू पर इतना बड़ा आरोप लगा रही है। अरे ये विधवा हो चुकी है, कम से कम उसके बारे में ऐसा तो मत बोल। तेरे सर की कसम सुषमा, और अपने बेटे की सर की कसम, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मेरी मौत हो जाए। लेकिन मेरी बहू ऐसा कैसे कर सकती है, अगर तू इतना कह रही है तो मैं उस पर नजर रखती हूँ, बाकी ये बात तो किसी और से मत कह देना, बिना मतलब मेरे घर की बदनामी होगी। अरे किसी से नहीं कहूँगी, लेकिन एक बार पता तो लगा तेरी बहू का चक्कर किसके साथ चल रहा है। जिसके साथ भी तेरी बहू का चक्कर चल रहा है ये बहुत गलत है। विमला की बातों को ध्यान में रखते हुए सुषमा अपनी बहू पर नजर रखने लगती है और वह देखती है कि काजल जब भी अपने कमरे में जाती है तो दरवाजा बंद कर लेती है। विमला सही कह रही है, मेरी बहू का चक्कर कहीं तो जरूर चल रहा है। एक रोज सुषमा और विमला बाजार जाते हैं। दोनों सामान खरीदने के बाद छोले भटूरे की दुकान पर बैठकर छोले भटूरे खा रहे होते हैं कि तभी, सुषमा तेरी बहू तो घर पे ही होगी ना इस वक्त, लेकिन मेरी नजरों के सामने जो औरत खड़ी है उसमें मुझे ना जाने तेरी बहू नजर आ रही है।
तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तूने मेरी बहू के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच लिया होगा, इसलिए तुझे हर जगह मेरी बहू ही नजर आ रही है। अच्छा ऐसा है तो एक बार देख तो पीछे मुड़ के, क्या पता ये तेरी बहू निकले या फिर बस मुझे वहम हो रहा हो। इतना सुनने के बाद जैसे ही सुषमा पीछे मुड़कर देखती है तो वह हैरान रह जाती है, क्योंकि उसकी बहू किसी आदमी के साथ हाथों में हाथ डाले बाजार में घूम रही थी। और काजल के साथ जो आदमी था वो ना तो विमला और ना ही सुषमा को दिख रहा था। विमला तेरा शक तो बिल्कुल सही निकला, मेरी बहू के साथ कोई और भी है जो इस बाजार में है। मैंने तुझे पहले ही कहा था तेरी बहू के चाल चलन मुझे सही नहीं लगते हैं, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब हमें पीछा करना चाहिए इन दोनों का, मैं भी तो देखूं मेरी विधवा बहू आखिर किसके साथ सुहागन होकर घूम रही है। अरे ये क्या, तेरी बहू सुहागन होकर घूम रही है, कहीं उसने शादी तो नहीं कर ली? अभी इन सब बातों का फायदा नहीं है, अभी इन सब बातों का फायदा नहीं है, हमें वहाँ चलकर देखना चाहिए। विमला और सुषमा काजल का पीछा करते हैं और वह देखते हैं कि दोनों मंदिर में पहुँचते हैं। मंदिर जाकर दोनों पंडित जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। तुम दोनों सदा खुश रहो और दोनों की जोड़ी सलामत रहे, अब भगवान तुम दोनों को खुश रखे। अब हमें घर चलना चाहिए। अगर हम घर गए तो माँ जी हमें अपनाने से मना कर देंगी। सुषमा ये तो मेरे बेटे की आवाज़ लग रही है, कहीं तेरी बहू ने मेरे बेटे के साथ तो चक्कर नहीं चला लिया? पता नहीं तेरे बेटे ने मेरी बहू को फंसाया या मेरी बहू ने तेरे बेटे को। माँ जी विमला काकी आप दोनों यहाँ कैसे? जैसे तुम दोनों ने हमें कुछ नहीं बताया ना, वैसे हम यहाँ पहुँच गए हैं। अब तुम दोनों मुझे ये बताओ कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? देखो माँ, आप जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, वो तो काजल भाभी से मुझे कब प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला, और जब प्यार किया है तो निभाना तो चाहिए था। ना तो तूने शादी मुझसे पूछ के की है और ना ही प्यार, तो अब तू ही भुगत। और सुषमा अगर तुझे पता था कि तेरी बहू का चक्कर मेरे बेटे से चल रहा है तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? ये बात तो मैं भी तुझे बोल सकती हूँ कि अगर तुझे पता था कि तेरे इस नलायक बेटे का चक्कर मेरी बहू से चल रहा है जो कि एक विधवा है, तो तुझे बताना चाहिए था ना। माँ जी इसमें ना तो आपकी गलती है और ना ही विमला काकी की, बल्कि मुझे आपको बताना चाहिए था कि मुझे प्यार हो गया है और मुझे शादी करनी है, लेकिन हमने बिना बताए ही शादी कर ली। और ये तूने गलत किया, अब मैं तुझे अपने घर में एक पल भी नहीं रखना चाहूँगी। वैसे भी तेरी बहू तो पराई हो गई है, तेरे घर में नहीं रहेगी, अब तो ये मेरे घर में रहेगी और मेरे नालायक बेटे ने इससे शादी जो कर ली है। विमला मुझे माफ कर दे, तेरे बेटे और मेरे बहू ने जो भी किया ऐसे मोहल्ले में हमारी बदनामी तो होगी, लेकिन हमें ये सब एक साथ मिलकर झेलना पड़ेगा। वही सोच के तो मेरा दिल परेशान हो रहा है, ना जाने इन्होंने क्या कर दिया। देखते हैं आगे क्या कुछ होगा, लेकिन हमें अपने परिवार के साथ रहना है। मेरा बेटा चला गया लेकिन मुझे अपनी बहू को भी संभालना था, वो भी मेरे हाथ से निकल चुकी है। सुषमा की विधवा बहू अब सुहागन हो चुकी थी, उसने अपने ही पड़ोस में रहने वाले राकेश नाम के आदमी से शादी कर ली थी। सुषमा और विमला दोनों ही इस शादी के खिलाफ थी, लेकिन काजल और राकेश का प्यार कब परवान चढ़ गया इस बात की खबर उन दोनों को नहीं लगी। दोनों ने जब शादी कर ली तब उन दोनों के प्यार के बारे में सभी लोगों को पता चला। कोमल का आज पहला ही दिन था और उसके जॉब पर। सुबह सुबह जब वो सोकर उठती है तो घड़ी में सुबह के 8 बज रहे थे, उसे 9 बजे ऑफिस पहुंचना था। वो खुद से कहती है, अरे बाप रे ये क्या 8 बज गए, आज तो मैं लेट ही हो जाऊंगी, मेरी जॉब का पहला दिन है और उसमें भी मैं लेट ही हो गई, अब क्या करूं मैं। तभी वहां पर कोमल की माँ मधु आती है जो कि कोमल से कहती है, उठ गई महारानी? अरे आप इतनी जल्दी क्यों उठ गई? सो जाएं, अभी टाइम ही क्या हुआ है, सिर्फ 8 ही तो बजे हैं। अरे माँ आप ये सब कहना बंद करो, वैसे ही मैं लेट हो गई हूँ, मुझे 9 बजे ऑफिस पहुँचना था, अब मैं पहले ही दिन लेट हो जाऊंगी, हे भगवान बचा लेना मुझे। हाँ अब भगवान के पास यही काम तो रह गया है कि वो तुझे लेट होने से बचाए, जा जल्दी से रेडी हो जा।
अपनी माँ की बात सुनकर कोमल जल्दी से ऑफिस के लिए तैयार होती है और फिर जल्दी से बाहर रिक्शा लेने जाती है, लेकिन वहाँ पर एक भी रिक्शा नहीं था। काफी दूर तक कोमल पैदल चलकर जाती है, तब जाकर उसे एक ऑटो मिलता है जिसमें बैठकर वो ऑफिस जाती है। लेकिन ऑफिस जाते ही उसे 9:30 हो जाते हैं और वहाँ पर उसे सब देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, ये लो मैडम का पहला दिन है और हाफ डे लग गया। यार ऐसे मत कहो, ये बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए? सर इस बात से गुस्सा तो नहीं होंगे ना? एक काम कर, जा जाकर सर से बात कर ले और वो बता देंगे कि तेरा आज हाफ डे लगेगा या नहीं। पक्का ना? बात में कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? अरे तू जा तो एक बार, बात करके तो देख एक बार। मीनू की बात मानकर अब कोमल अपने बॉस से बात करने लगती है और कहती है, गुड मॉर्निंग सर, मैं कोमल हूँ, आज मेरा पहला दिन है ऑफिस में, लेकिन किसी वजह से मैं लेट हो गई, तो क्या आज मेरा हाफ डे लगेगा? क्या कहा, पहला दिन? और पहले दिन तुम लेट हो गई, ये क्या बात होती है? सॉरी सर, आगे से पक्का ऐसा नहीं होगा, मैं कोशिश करूंगी कि समय से पहले ही आया करूं, आज माफ कर दीजिए बस। अच्छा अच्छा ठीक है, पहला दिन है इसलिए माफ कर रहा हूँ, आइंदा से ना ये गलती ना रिपीट नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसा दोबारा हुआ तो तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। ठीक है सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, आज के लिए सॉरी और माफी के लिए थैंक यू। इतना कहकर अब कोमल वहाँ से बाहर चली जाती है, जिसके बाद सब उससे पूछते हैं कि सर ने उसे क्या कहा, तो वो बताती है कि उसका हाफ डे नहीं लगा, लेकिन आगे ऐसा हुआ तो लग जाएगा। यूं ही अब कुछ दिन और बीत जाते हैं, 1-2 दिन तो कोमल समय पर आने लगी थी। हर दिन की तरह एक दिन और कोमल अपने समय से ऑफिस के लिए घर से निकलती है और बस स्टॉप पर जाती है, जहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि वहाँ आज कोई भी रिक्शा या बस नहीं है। ये देखकर कोमल कहती है, ये क्या, आज फिर से कोई रिक्शा नहीं है, आज लगता है मैं फिर से लेट हो जाऊंगी, और आज तो सर मेरा हाफ डे लगा ही देंगे, क्या करूं मैं, हे भगवान बचा लो। इतना कहकर जब वो दोनों बस स्टॉप तक जाती हैं तो देखती है कि वहाँ कोई भी बस नहीं थी, और वहाँ पर उसे मीनू भी दिखाई देती है जो कि लेट हो चुकी थी। उसे देखकर कोमल कहती है, अरे मीनू ये क्या, तुम भी लेट हो गई क्या आज? हाँ यार देखना, सुबह से खड़ी हूँ यहाँ, लेकिन कोई रिक्शा या बस आने का नाम ही नहीं ले रही है, अब क्या करूँ, अगर लेट हो गई तो हाफ डे लग जाएगा मेरा भी। अरे यार लगता है आज तो हमें पैदल ही चलकर जाना होगा ऑफिस तक, अभी बस 20 मिनट ही बाकी है ऑफिस पहुँचने में। हाँ सही कहा तूने, चल चलकर ही जाते हैं। इतना कहकर अब दोनों भागते हुए ऑफिस की ओर जाते हैं, लेकिन ऑफिस दूर होने की वजह से उन्हें पूरे 19 मिनट लेट हो जाता है, और वो दोनों ठीक 9:30 बजे ऑफिस पर पहुंच जाती हैं, और जब तक वो ऑफिस के अंदर घुसी हैं, पूरे 9:31 हो चुके थे। ये देखकर दोनों अपने ऑफिस के सर के पास जाती हैं और सुमित से कहती हैं, सर आज हम बस 1 मिनट से ही लेट हो गए, क्योंकि वहाँ पर कोई भी रिक्शा या बस नहीं थी, आज के लिए माफ कर दीजिए। जी सर, आपको तो पता ही है ना कि मैं रोज समय पर आती हूँ, आज ही 1 मिनट से लेट हो गई हूँ। तो क्या हुआ, लेट का मतलब लेट होता है, और आज तुम दोनों का हाफ डे लगेगा, समझी तुम? अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुँह क्या देखे जा रहे हो, अब जा सकते हो तुम दोनों। मीनू और कोमल दोनों ही सुमित को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता और दोनों का ही हाफ डे लग जाता है। यूं ही कुछ दिन और बीतते हैं, और ऐसे ही कोमल लेट हो रही थी, इस बात से वो बहुत परेशान थी, कभी रिक्शा बस नहीं मिलते तो कभी उसे ट्रैफिक मिलता, और उसका हर दिन हाफ डे लग रहा था। एक दिन कोमल खुद से कहती है, अब चाहे जो भी हो जाए मैं अपना हाफ डे नहीं लगने दूंगी। तभी वहाँ पर मीनू आ जाती है और कोमल को इतने जोश में देखकर वो कहती है, क्या बात है, आज तो कतई अंगार लग रही है, आज फिर से हाफ डे लग गया क्या? हाँ यार क्या करूँ, रिक्शा बस कुछ तो मिलता ही नहीं है, इसलिए लेट हो जाती हूँ और हाफ डे लग जाता है। जब तुझे ये ऑफिस दूर पड़ता है तो तू कहीं और क्यों नहीं देख लेती जॉब, जहाँ पास पड़े तुझे भी? नहीं यार, यहाँ पर मुझे सब सही लगता है, अच्छा खासा माहौल है, सैलरी भी अच्छी है यहाँ की। देख ले भाई, तुझे जैसा ठीक लगे, फिर मत कहना लेट होने के कारण मेरा हाफ डे लग रहा है। कल से मैं लेट आऊंगी ही नहीं, जल्दी ही आऊंगी, कुछ भी हो जाए। इतना कहकर कोमल वहाँ से चली जाती है, और उस रात वो अपने फोन में सुबह 5 बजे का अलार्म लगाती है और सो जाती है। अगली सुबह वो समय से उठती है और टाइम से पहले ही ऑफिस के लिए निकलती है, लेकिन जैसे ही वो बस स्टॉप जाती है तो वहाँ गाड़ियाँ तो होती हैं, पर वहाँ बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, और टाइम से पहुँचने के लिए कोमल एक रिक्शे में बैठ जाती है।
लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर से ट्रैफिक लग जाता है, जिस वजह से कोमल रोड क्रॉस करने के लिए रिक्शे से उतर जाती है। और जैसे ही वो रोड क्रॉस करने लगती है उसको एक गाड़ी टक्कर मार देती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। आसपास के लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और जब कोमल की आंख खुलती है तो सबसे पहले उसकी नजर घड़ी पर जाती है जहां सुबह के 9:25 हो रहे थे। ये देखकर कोमल हाथ में ग्लूकोज की बोतल को उठाकर वहां से भागने लगती है और जब सब उसे रोकते हैं तो वो कहती है, जाने दो मुझे, लेट हो जाऊंगी मैं ऑफिस के लिए, मेरा बॉस मेरा हाफ डे लगा देंगे, मुझे जाने दो यार, मुझे लेट नहीं होना। अरे आपकी तबीयत खराब है, आपको आराम करना चाहिए, कहाँ जा रही हैं आप? अरे आराम गया भाड़ में, मुझे जाना है ऑफिस, मैं लेट हो गई, बॉस मेरा हाफ डे लगा देंगे। जब सबको पता चलता है कि कोमल की हालत के बारे में तो उसकी माँ और दोस्त मीनू उससे मिलने हॉस्पिटल आते हैं। डॉक्टर से कोमल की हालत के बारे में पूछते हैं तो डॉक्टर बताता है, देखिए आपकी बेटी बार बार एक ही बात कर रही है कि वह लेट हो जाएगी, ऑफिस जाना है, हाफ डे लग जाएगा, का एक ही कारण हो सकता है कि रोजाना उसका हाफ डे लगने और लेट जाने का डर उसके दिमाग में घर कर गया है। हो सकता है कि उसके लिए ये जॉब बहुत जरूरी हो, इसलिए उसे इस बात की चिंता है। तो डॉक्टर हमें क्या करना चाहिए, कोमल ठीक कैसे होगी, कुछ दवाई चलेगी या कुछ और? ज्यादा कुछ नहीं, बस कोमल को अपने माहौल चेंज करने की जरूरत है। बेहतर होगा कि आप उसे कुछ समय के लिए बाहर ले जाएं, काम पर तो बिल्कुल ना भेजे, वो अभी मेंटल इश्यूज फेस कर रही है तो उसे अभी काउंसलिंग की भी जरूरत है ताकि उसके दिमाग में हाफ डे और लेट होने का डर निकल जाए। ठीक है डॉक्टर, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगी। इसके बाद कुछ समय तक कोमल काउंसलिंग को अटेंड करती है और जिस जगह वो काम किया करती थी वहाँ से भी उस दिन के बाद से लेट होने पर हाफ डे लगने वाला रूल खत्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ के ओनर को ये अकल आ जाती है कि जब कोई इंसान रास्ते पर निकलेगा तो उसे ट्रैफिक भी मिलेगा और वो लेट भी होगा। सोनिका अपने घर में बहुत खुश थी और खुशी खुशी अपनी जिंदगी अपनी सास मेघना और पति आरव के साथ बिता रही थी। उसका एक देवर भी था जिसके लिए वो लोग लड़की की तलाश कर रहे थे। इसी विषय पर बात करते हुए एक दिन सब घर वाले चाय पर चर्चा कर रहे थे कि मेघना अपनी बहू सोनिका से कहती है, बहू तू ही इसको कुछ समझा, मैं तो कह कह कर हार गई कि तुझे कोई लड़की पसंद है तो बता दे, हम उसी से इसकी शादी कर देंगे, उम्र निकली जा रही है, अब शादी नहीं करेगा तो कब करेगा? अरे वाह देवर जी, ऐसी माँ आखिर आपको कहाँ मिल गई? देखो कोई पसंद है तो बता दो, अभी भी मौका है, अगर ये हाथ से चला गया तो हाथ मलते रह जाओगे। अरे भाभी आप भी कैसी बातें करती हो, अगर मुझे कोई पसंद होती ना तो अब तक ना मैं उसके गले में माला डालकर ना उसे आपके सामने लाकर खड़ा कर देता, जब कोई पसंद ही नहीं है तो किसी से शादी थोड़ी कर लूंगा। आप सब लोग मेरे भाई के पीछे मत पड़ो, जब उसका मन होगा तब वो खुद शादी कर लेगा, ऐसे फोर्स क्यों कर रहे हो? आप तो रहने ही दीजिए, खुद तो 35 की उम्र में शादी की है, अब चाहते हो कि भाई भी बूढ़ा होकर शादी करे। सब लोग ऐसे ही बहस करते रहते हैं और ये सब देखकर राहुल वहाँ से उठकर चला जाता है, जिसके बाद सोनिका की तबीयत बिगड़ने लगती है और जांच के बाद पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। ये सब सुन के पूरा घर बहुत खुश होता है। जिसके बाद एक दिन सोनिका अपनी सास मेघना के कमरे में जाकर कहती है, माँ जी आप तो जानती हैं कि मुझे तीसरा महीना चल रहा है। हाँ बहू ये मैं जानती हूँ, और अब तुझे अपना और ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। तो इसलिए माँ जी मैं सोच रही थी कि अपनी बहन को यहाँ बुला लूँ कुछ महीने के लिए, आप तो जानती हैं कि मुझसे इतना काम नहीं होता है, और देवर जी देवरानी लाने से रहे और आप खुद भी सारा काम नहीं कर पाएंगी। हाँ बहू बात तो तेरी सही है, इस उम्र में मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है जो मैं घर संभाल सकूं। तू अपनी बहन को बुला ले, वो आएगी तो तेरी मदद भी कर देगी और तुझे भी आराम हो जाएगा। जिसके बाद मोनिका घर आकर घर को अच्छे से संभालती है और ना ही सोनिका को कोई काम करने देती है, और इसी के साथ ना ही मेघना को। मोनिका का स्वभाव देखकर मेघना के दिल में उसे बहू बनाने की इच्छा आती है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल भी मेघना को पसंद करने लगा था और सबसे छुपकर उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है। एक दिन दोनों छत पर बातें कर रहे थे कि तभी सोनिका उन्हें देख लेती है और सुन लेती है और उनके पास आकर कहती है, क्या बात है देवर जी, ये सब क्या चल रहा है चुप चुप के?
नहीं नहीं दीदी, आपका वहम है, हम तो बस बात करने आए थे। हाँ भाभी, मौसम अच्छा था और हमने सोचा ना थोड़ी बात कर ले और ना थोड़ा टहल भी ले। आप गलत समझ रही हैं। अरे मुझे सब पता है, मैं पागल नहीं हूँ। लगता है आपको मेरी ही बहन पसंद आ गई है। क्या कहते हैं आप, देवरानी जेठानी का एक ही माई का हो जाएगा, मंजूर है? बोलो तो मैं बात चला दूँ। ये सुनकर दोनों शर्मा जाते हैं और सोनिका दोनों के रिश्ते की बात सबको बताती है। पूरा घर राजी हो जाता है। एक दिन उनकी पड़ोसन सोनम मेघना से मिलने आती है और उससे कहती है, अरे ये क्या सुन रही हूँ मैं, तो अपनी बहू की बहन से ही अपने बेटे की शादी करवा रही है? पागल हो गई है क्या? ऐसा मत कर, अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। क्यों, इसमें क्या बुराई है, दोनों मिलकर खुश रहेंगी। देख मेघना, जहाँ चार बर्तन होते हैं वो आवाज करते हैं, और ये बर्तन तो एक ही घर के होंगे, यानी देवरानी और जेठानी का एक ही मायका होगा। दोनों मायके साथ जाएंगी तो घर कौन संभालेगा? और दोनों बहनों ने साथ घाट करके तुझे घर से ही बाहर निकाल दिया तो मेरी मान तोड़ दे ये रिश्ता, अभी देर नहीं हुई है। मेरी मौसी की बेटी है पलक, मैं राहुल से उसकी बात चलाती हूँ। ठीक है, मैं इस बारे में तुझे सोच के बताऊंगी, मुझे थोड़ा सोचने दे। मेघना के ये बोलते ही सोनम वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद मेघना चाह कर भी राहुल की खुशी देखकर ये रिश्ता तोड़ नहीं पाती और मोनिका शादी करके उस घर में आ जाती है। और एक दिन सोनम फिर से मेघना के घर आकर उसे भड़काती हुई कहती है, क्यों मेघना, तुझे मैंने कितना समझाया था लेकिन तूने मेरी बात ही नहीं सुनी और अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब सोनम तू ही बता कि कुछ भी मेरे बेटों की खुशी से बढ़कर तो नहीं है ना? जब बड़ा बेटा अपनी पसंद की लड़की लाया तो क्या छोटे से मैं ये हक छीन लेती? ये कहाँ का इंसाफ होता? अरे अब जो तेरी बहू तेरे साथ करेगी उसका क्या, अब तो देख दिन में तारे। अब तो देवरानी जेठानी का एक मायका है, दोनों मिलकर मुझे नाच नचाने वाली है। खैर जो भी हो, कुछ भी मेरे बच्चों की खुशी से बढ़कर तो नहीं हो सकता ना। इतनी उम्र तो कट ही गई है, अब ये भी झेल ही लूंगी। कोई बात नहीं सोनम, अब जो होगा देखा जाएगा। अच्छा ठीक है, भगवान तेरा भला करे, मैं चलती हूँ, मुझे काम है। सोनम ये बोलकर चली जाती है और मेघना फिर उसकी बात अपने दिल पर बैठा लेती है। एक दिन वो रसोई में आकर अपनी दोनों बहुओं से कहती है, बहू आज दिन के खाने में तुम मटर पनीर बना देना और रात को कड़ी, ठीक है ना? पर माँ जी, अभी के लिए तो मैंने दाल चावल बना दिए हैं ताकि हल्का रहे, और रात के खाने के लिए मैंने छोले भिगो दिए हैं, अगर कढ़ी बनाई तो वो खराब हो जाएंगे, आपकी कढ़ी मैं कल बना दूंगी। ये सुनकर मेघना की आंखें भर आती है और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और उसकी आंखों में भरे हुए आंसू उसकी दोनों बहुएं भी देख लेती है और उसके पीछे पीछे उसकी कमरे की तरफ आने लगती है। सही बोला था उस पड़ोसन ने, एक घर की दो बेटी बहू बनाकर लाने से मेरी जिंदगी खराब हो गई है। अब इस घर में मेरी कोई जरूरत नहीं है, शायद मुझे ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए, मेरा अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। मेघना की ये बात उसके पीछे कमरे में आती हुई उसकी दोनों बहुएं सुन लेती है और कहती है, माँ जी आप ठीक तो है ना? हाँ बहू, मैं तो ठीक हूँ, पर तू ऐसा क्यों बोल रही है? माँ जी क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जब से मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ आप गुमसुम सी रहती हैं, ना किसी से ज्यादा बात करती हैं और ना ही अपने कमरे से बाहर आती हैं, और अभी हम दोनों ने खुद देखा आप रो रही थी। और आपकी बात भी सुन ली हमने, क्या बोल कर गई है आपकी वो पड़ोसन सहेली आपको, बताइए हमें। कुछ नहीं कहा बहू उसने, शायद अब देवरानी जेठानी का एक ही मायका है तो मुझे ही ये बात समझनी होगी कि मेरी इस घर में कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों इस घर को मिलकर अच्छे से संभाल सकती हो, यहाँ तो मुझे चुपचाप किसी कोने में पड़े रहना चाहिए या किसी आश्रम चले जाना चाहिए। माँ जी आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि आप ये घर छोड़कर जाना चाहोगे और हम आपको जाने देंगे? नहीं ये कभी नहीं होगा। माँ जी बच्चे जितने भी जिम्मेदार हो जाए, बच्चों को बड़े की छाया तो हमेशा होनी चाहिए ना, आप भी कैसी बात कर रही हैं? आपने ही हमें इस घर की बहू बनाया है और हमको इतना अच्छा परिवार मिला, आप नहीं होते तो हम सब नहीं होते। माँ जी आपने पड़ोसन की बातें देखी और अपनी खुद की बहू का स्वभाव नहीं देखा, हम और दीदी आपको अपनी माँ जैसे प्यार करते हैं और हमेशा करेंगे, ये वादा है हमारा आपसे। मेरी बहुओं मुझे माफ कर दो, मैं तुम दोनों को कितना गलत समझ रही थी, मैं बस पड़ोसन के बहकावे में आ गई थी और तुम दोनों की योग्यता पर शक किया, मुझे माफ कर दो। नहीं माँ जी आप माफी नहीं मांगिए,
बस वादा कीजिए किसी बाहर वाले के कहने पर आप हम दोनों या किसी भी परिवार वाले को गलत नहीं समझेंगे। मैं वादा करती हूँ बहू। इस तरह मेघना का वहम उसके दिल से निकल जाता है कि देवरानी जेठानी का एक मायका होगा तो उसकी पूछ कम हो जाएगी। सोनिका और मोनिका भी अपना वादा निभाते हैं और हमेशा अपनी सास को अपने सर आंखों पर बैठा कर रखते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।